हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। और हमने सुबह से नवरात्रे थे तो बहुत तला भुना खा दिया, थोड़ा खट्टा खाने का मन कर रहा है तो मैं आज रायता बना रही हूँ। और रायता तो प्याज का भी बनता है, खीरे का भी बनता है, पर मैं बूंदी का बना रही हूँ। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाऊंगी, उसके लिए मैंने सामान लिया है, जो ये बूंदी है, एक कटोरी बूंदी है, ये छोटी कटोरी थी तो मैंने इसमें डाल दिया है। दो तीन हरी मिर्च है, मैंने कट करके रख दी बारीक बारीक, और थोड़ा सा साबुत धनिया है, और थोड़ा इसमें काली मिर्ची भी डालेंगे हम। बस यही डालेंगे हम रायता में। और जो मैंने वो जीरा और साबुत धनिया भून के रखा है, उसको भी पेस्ट बनाऊंगी मैं, उसका मसाला उसको भी डालेंगे। और मैं जो ये बूंदी है इसको दही में मिला देती हूँ, इसको 5 मिनट तक मिला के रखना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बूंदी। तो इसको दही में मिला के रख देंगे। तब तक मैं जीरा भून लूंगी। और रायता, जो मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ, उसके लिए मैंने सबसे पहले एक तवा ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा साबुत धनिया और जीरा डाल दिया था। इसको हल्का हल्का भून देंगे, हल्का हल्का ब्राउन होने देना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़्यादा नहीं कड़वा हो जाएगा। अब मैं तवे में से निकाल देती हूँ जो ये जीरा और साबुत धनिया है, और इसको एक चकले में डाल देंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन हमको थोड़ा दरदरा चाहिए तो मैं इसे चकले में ही पीसूंगी। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये इतना दरदरा हुआ है, इसको थोड़ा सा और बारीक करना है। और इसको और बारीक करना है। अभी थोड़ा सा दरदरा है, इसको हल्का सा और बारीक कर देंगे। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये अच्छे से बारीक हो गया है जीरा और साबुत धनिया, ये देखो। अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक कटोरी में, और जितना हमको चाहिए होगा हम उतना डाल देंगे, बाकी मैं एक कटोरी में डाल दूँ। ये पीस के तैयार हो गया है। तो रायता बना रही थी, छोटे पतले में बना रही थी, लेकिन दही थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने अब बड़े पतले में डाल दिए। तो इसमें जो दही लग रखी है, इसमें हल्का सा पानी डाल के, या दूध भी डाल सकते हो, तो इसमें डाल देंगे हम रायते में, जो रायता बना रहे हैं। और पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आपको चाहिए। इसमें आप चाहो तो हल्का सा पानी डाल सकते हो या दूध भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें मसाले मिला देती हूँ, और इसमें मैं काला नमक डालूंगी, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जो मैंने बूंदी दही में मिला के रखी थी, उनको 5 मिनट हो गए, ये देखो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये देखो हो गए हैं। तो अब मैं इसमें मसाला मिला देती हूँ, और मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगी, काला नमक। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक अपने हिसाब से डाल देना। और थोड़ी सी मैं इसमें मिर्च डाल देती हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डालनी हूँ, थोड़ा हरी मिर्च। मैंने लाल मिर्च भी डाली तो मैं हरी मिर्च कम डाल दूँ। और थोड़ा सा जो मैंने ये भी जीरा और साबुत धनिया भून के रखा था ना, ये भी डाल देती हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऊपर से हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा, और हल्का सा ऊपर से जीरा पाउडर। जो मैंने ये बूंदी का रायता बनाया था, ये बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल दूंगी। और रायता थोड़ा गाढ़ा है, आप चाहे तो पतला भी कर सकते हो, पर हमें गाढ़ा ही अच्छा लगता है। दही मैंने घर की जमाई है, फ्रेश दही है ये, बाहर की नहीं लाए, घर में जमा रखी थी। तो मैंने रायता एक बाउल में निकाल दिया है, और ऊपर से मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। और ये बूंदी का रायता बन के रेडी हो गया है। और अगर आपको ये बूंदे के रायते की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना कि आपको कैसी लगी। और मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।